Godspeed to the city streets. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? रत्ना विद सीनियर्स के एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत करते हैं। तो आप लोग को पता ही है अभी हम कहाँ पर हैं। तो आज अभी दोपहर के 2:30 अराउंड हो रहा है। आज एक जगह निकलेंगे, आप लोग को जरूर आप लोग को साथ लेकर निकलेंगे। आज कहाँ जाएंगे, चलिए रस्ते निकलते हैं। चलिए जी हाँ, अभी हम निकल गए हैं पुरी में ही कोणार्क टेम्पल के लिए। ये एक सूर्य मंदिर है, आप लोग को तो पता ही होगा। ये भारत का एक प्रसिद्ध स्थान है, सब कोई देश के हर एक कोने से आते हैं। तो चलिए बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं। हालांकि पुरी से ये 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन उतना बड़ा तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो चलिए, और भुवनेश्वर से ये 67 किलोमीटर और कटक से 82 किलोमीटर है। तो देखते हैं अभी ठहरी, आप लोग को पहले चारों तरफ थोड़ा दिखा दे। और हम लोग जो आए हैं समुंदर के किनारे किनारे ही आए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य था। और ये चारों तरफ कोणार्क मंदिर में मेन रोड में ये हाईवे है सर, और पूरा देखिए चारों तरफ एकदम लगा हुआ है। यहाँ नारियल पानी भी मिल रहा है। तो चलिए अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, सूर्य भगवान को देख रहे हैं एकदम सामने ही। और ये ओडिशा गवर्नमेंट के तरफ से इसका मेंटेनेंस है, बहुत ही सुंदर। और भीड़ इतना है लेकिन पता नहीं चल रहा है, देखिए एकदम साफ सुथरा है चारों तरफ, बहुत ही अच्छा से मेंटेन किया हुआ है इसका। और टाइमिंग इसका है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, और कुछ एंट्री फी भी है। तो टिकट जब लेंगे तब आप लोग को बताएंगे। अभी तो हम लोग अंदर चल रहे हैं, देखिए वहाँ पर, चलिए थोड़ा वहाँ चलते हैं। क्या है, तो कोई लड़का से कुछ तस्वीर बना रहा है, देखते हैं क्या है। उनको तो यहाँ से दिखना नजर आ रहा है, देखिए क्या है। ओहो माय गॉड, देखिए हमारे भारतवर्ष में क्या बोले, कला का कोई कमी नहीं है। इतना सुंदर देखिए, मतलब ये सब का क्या मूल्यांकन करें, है ना, बोलिए। ये अपने आप में ही अनोखा है, कितना सुंदर बना रहे हैं देखिए आप लोग। हम भी थोड़ा देख लें, देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। कोई कोई यहाँ पर इनसे बना भी रहे हैं पेंटिंग सब, बहुत सुंदर से बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि फिर ये मंदिर परिसर बंद होने का समय हो जाएगा। तो ये ओडिशा गवर्नमेंट का ही टूरिज्म का ऑफिस है। यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं, चारों तरफ बहुत ही अच्छा। कोई जो घूमने आए हैं टूरिस्ट सब थोड़ा बैठकर आराम भी कर सकते हैं, ये सब बना हुआ है। देखिए स्टैचू सब हाथी का, ये सब सब रिलेटेड उस टाइम का जब ये बना था, उसी टाइम का रिलेटेड है सब। ये बना था करीब 1250 तक, ये लगभग तैयार हुआ था इसका, इसी पूर्व में गंगा वंश के तत्कालीन सामंत राजा नृसिंह देव द्वारा बनाया गया था ये मंदिर। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक है। अब हम लोग को यहाँ से फिर आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए कितने बाहर से, भारत के हर एक कोने कोने से आते हैं देखने के लिए। आप लोग को भी जब भी मन होगा यहाँ आ सकते हैं। हम जितना भी जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग को जरूर शेयर कर रहे हैं। यहाँ हर एक टूरिस्ट प्लेस में जैसा होता है, कुछ छोटे छोटे दुकान, कुछ खाने पीने के दुकान, घर सजाने के लिए सामान, गिफ्ट देने के लिए, इसी सब का दुकान है। तो बहुत ही अच्छा है इससे। और दूर में आप लोग देख सकते हैं, दोपहर का टाइम है, दूर में आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर का चूड़ा दिख रहा है। तो चलिए और एक गेट दिख रहा है,
के अंदर से हम लोग अभी जाएंगे। ये गेट दिख रहा है, ऊपर सूरज भगवान को देख रहे हैं और गर्मी भी काफी है। आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, कभी भी यहाँ आना है उड़ीसा में, आप लोग अक्टूबर टू मार्च तक आइए। अभी यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। कौन बहुत फोटो भी खिंचा रहे हैं सब कोई, गाइड सब घूम रहा है। आप लोग को अगर गाइड का जरूरत है तो आप लोग गाइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बहुत पहले एक बार आ चुके हैं, तब तो ये यूट्यूब का काम नहीं करते थे तो उसी लिए, लेकिन अभी आए हैं तो आप लोग, मेरे परिवार इतना बड़ा हो गया है तो सबके साथ शेयर करना तो ज़रूरी है। और देखिए, चलिए दूर से मंदिर का चूड़ा दिख रहा है। यहाँ टिकट लेने के लिए पूछे हैं, देखिए यहाँ पर पूरा सूरज का प्रणाम का पूरा बना हुआ है, लेकिन मोबाइल ऑफ। यहाँ पूजा नहीं होती है, भगवान जी का मूर्ति टूटा हुआ है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में टूटा हुआ मूर्ति का पूजा नहीं होता है। ये कृष्ण भगवान के बेटे सौम्य का तबीयत खराब होने के कारण, वो सौम्य देव तपस्या कर रहे थे सूरज भगवान का समुन्द्र किनारे, और जब वो स्वस्थ हो गए तभी ये मंदिर का निर्माण किए थे। तो आज इतना तक ही, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा आप लोग को तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट शेयर, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसा ब्लॉग आप लोग को और मिलते रहे। कोशिश करेंगे आप लोग के लिए कुछ नया कुछ अच्छा बनाने के लिए। आप लोग भी यहाँ आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और भारतवर्ष तो देखकर खत्म नहीं कर पाइएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नया।